हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमलता स्वागत करती हूँ आपका माय फूड माइंड्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू प्याज की कचौरी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेना है हमें आटा, गेहूं का आटा लिया है ये मैंने, वही जो रोटी बनाने में यूज़ करते हैं, हमने वही आटा लेना है। और इसमें सिर्फ हमें नमक डालना है, नमक के अलावा हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक डाल के और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। जिस तरह से हम रोटी के लिए डो लगाते हैं, बिल्कुल उतना ही सॉफ्ट हमें डो लगाकर तैयार करना है। और इसको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए ताकि ये पतला ना हो। ये देखिए डो हमारा अच्छे से लग चुका है। इसको हम करीब 10 से 15 मिनट के लिए ढककर इसी तरह से रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट और हो जाए। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से ढक दिया है और इसको हमें 10 मिनट के लिए और रख देना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बहुत अगर आटा हमारा टाइट रहेगा तो कचौड़ी हमारी अच्छे नहीं बनेंगी। अब चलिए हम स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं। मैं चार जनों के हिसाब से ये बना रही हूँ, तो आप आलू लेकर उन्हें अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। आप ग्रेट भी कर सकते हैं, आलू में कोई मोटा नहीं रहना चाहिए। सारे आलूओं को हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसके बाद डालना है इसमें थोड़ा सा मसाला। मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। मैं अपने मम्मी के जैसे ये बना रही हूँ, जैसे मेरी मम्मी बनाती हैं, और मेरी मम्मी बहुत तीखा बनाती हैं, इसलिए मैंने देखिए एक चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच धनिया पाउडर और इसी के साथ 1/4 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला की बजाय आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, इससे थोड़ा खट्टा टेस्ट आता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसी के साथ मैंने डाला है इसमें नमक। नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इसी के साथ में कसूरी मेथी को अच्छी तरह से हाथों पर रब करके डालना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मसाले का टेस्ट बहुत बढ़िया बनके, जो हमारा स्टफिंग है वो बहुत बढ़िया बनके तैयार होती है। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी हम हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैंने एक प्याज ली है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर कर लिया है, और इसी के साथ में हरा धनिया। हरा धनिया तो वैसे भी हर किसी का फ्लेवर बहुत बढ़िया बढ़ा देता है, इसमें हरा धनिया डालकर इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, और अगर कोई मोटा आलू हो तो उसको भी हमें मैश कर देना है साथ के साथ। ये देखिए हमारी स्टफिंग बनकर हो चुकी है एकदम तैयार। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और अभी हमारा आटा भी सेट हो गया होगा तो उसे भी हम देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से स्टफिंग बहुत बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसको थोड़ा सा उठाकर टेस्ट कर लीजिए, और अगर नमक कम लगे तो आप इसमें और नमक ऐड कर सकते हैं, और वरना तो हमारी स्टफिंग बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई है। चलिए अब भी यहाँ पर हमें डो को देखते हैं। डो हमारा एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से आप देख रहे हैं ना, कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हुआ है। इसको थोड़ा सा और मसल लेते हैं ताकि ये और थोड़ा स्मूथ हो जाए, क्योंकि कचौड़ियों के लिए आटा जितना स्मूथ और जितना अच्छे से लगा हुआ होगा, हमारी कचौड़ियाँ उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। वो तेल में जाकर फूटेंगी नहीं और हमें बेलने में भी उन्हें आसानी रहेगी। ये देखिए डो हमारा एकदम परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब हमें बनानी है इसकी कचौड़ियाँ। तो सबसे पहले हमें लेना है एक कटोरी में थोड़ा सा तेल। तेल को इस तरह से हाथों पे लगा लीजिए पहले ताकि आटा चिपके ना, और फिर उसके बाद छोटी सी थोड़ा सा आटा तोड़िए और उसकी फिर हमें बॉल बनानी है। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा आटा, ज़्यादा बड़ी कचौड़ी नहीं बनाते हैं इसलिए थोड़ा सा आटा लीजिए और फिर इसको पहले ना थोड़े से तेल में डिप कीजिए, और फिर इसको थोड़ा सा फैला लीजिए हाथ से, और फिर उंगलियों की हेल्प से इसको सेंटर में से नहीं दबाना है, किनारों पे से इसको हमें पतला करना है। अगर आप सेंटर में से पतला कर लेंगे तो ये फिर वहाँ से फूट जाएगी, इसलिए हमें इसे किनारे में से पतला करना है, सेंटर में से ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। ये देखिए कटोरी की शेप आ गई है। अब हम इसमें स्टफिंग जो बनाकर हमने तैयार करी है वो स्टफिंग को डालते हैं, और इस तरह से इसको हमें
बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से बहुत इजी है कचौड़ियों को बनाना और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह से इसे बंद कर देना है और फिर हमें थोड़ा सा लेना है तेल, इसको तेल में इसके किनारे को डिप करना है और फिर पूरे जहाँ पर हम इसे बेल रहे हैं वहाँ पर तेल लगा के इसको हाथ से थोड़ा सा फैलाना है ताकि जो स्टफिंग है वो कोने कोने तक अच्छी तरह से पहुँच जाए। और फिर उसके बाद हमें बेलन की हेल्प से इसको बहुत हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा हमें बेल लेना है। ज़्यादा टाइट मत बेलिएगा वरना ये फट जाएगी। हमें इसको ज़्यादा बेलना भी नहीं है क्योंकि अगर ये फट गई तो फिर तेल में जाके इसमें से जो स्टफिंग है वो निकल जाएगी और सारा तेल ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कचौड़ी हमारी बेल गई और यहाँ पर मैंने तेल गर्म कर लिया था। तेल को तेज़ गर्म करने के बाद हमें उसे मीडियम फ्लेम पर कर देना है और उसमें कचौड़ी डालकर उसको जब तक सेकना है जब तक कि वो थोड़ा एक साइड से सिक ना जाए। जब वो एक साइड से सिक जाए तो उसको इस तरह से झारे की हेल्प से उसको टर्न कर देना है और टर्न करने के बाद उसको थोड़ा प्रेस कर करके हमें फुलाना है। ये देखिए इस तरीके से इसको झारे की हेल्प से ही मैं प्रेस कर रही हूँ और फिर इसके बाद देखिए हिला हिला के कितने अच्छे से दबाया दबा के कचौड़ी हमारी कितने अच्छे से फूल चुकी है। ये देखिए कचौड़ी हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। मैं बाकी भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 4 कचौड़ियाँ बनाकर तैयार करी हैं क्योंकि कचौड़ियाँ तो गर्म गर्म ही अच्छी लगती हैं खाने में, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले 4 बनाई हैं और अब मैं आपको एक काट कर दिखाती हूँ कि कितने अच्छी तरह से जो स्टफिंग है वो कोने कोने तक फैली है। ये कचौड़ियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप इसे दही के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, काफ़ी जगहों पर तो इसे खीर के साथ भी पसंद करते हैं। ये देखिए हमारी जो स्टफिंग है वो लास्ट तक कोने तक फैली है और एकदम कचौड़ियाँ फूली फूली और खस्ता बनकर तैयार होती हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा माय फूड माइंड्स को। चलिए मैं तो चली खाने, आप खाइए, बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। बाय।